नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमरी के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर लोनी गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ढाका से आपको पता चले कि इंडियन एयरलाइंस के विशेष विमान के जरिए 35 लोग को जनपद गाजियाबाद वापस लाया गया। ढाका के इंडियन एयरलाइन के विशेष विमान के जरिए 35 लोगों को गाजियाबाद वापस लाया गया है। फ्लाइट से उतरने के बाद उनकी स्पेशल स्क्रीनिंग की गई और उनकी जांच की जाएगी, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद के विशेष क्वारंटाइन सेंटर एलाइट हॉस्पिटल में जगह दी गई है, जिसको लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी महोदय ने पूरी तैयारी करने के आदेश दिए हैं। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में रुकने के बाद अगर किसी व्यक्ति की कोरोना जाँच पॉजिटिव पाई जाती है तो उन हालातों में पॉजिटिव पेशेंट के लिए अलग से प्रबंध किए जाएंगे। नहीं, इनको 14 डे हमको फिलहाल यहाँ पे रखना है। यहाँ 6 गाजियाबाद प्रॉपर से हैं, 3 हमारे नोएडा से हैं, शेष 28 लोग यूपी से हैं। कुल 35 लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं जो ढाका से आए हुए हैं। इनको हम जो 8 मई का मेरा शासनादेश है उसके क्रम में इनको हम यहाँ पे रख रहे हैं। 14 दिन के बाद इनको यहाँ पे इनको होम क्वारंटाइन करेंगे, अगर कोई भी सिम्टम निगेटिव नहीं आता है तो। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग वहाँ पे 2 महीने से ट्राई कर रहे थे इंडिया लाने के लिए, तो हम लोगों को चांस मिला। हम लोग क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम सुरेश कुमार पांडे है, हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं। योगी जी के लिए कुछ स्पेशल? योगी जी की वैसे ही तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे देखते अभी क्या व्यवस्था। चलो चलो चालक, आप इन लोगों को कहाँ से लाए हो, कौन लोग हैं ये? हम ये एयरपोर्ट से लाए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, यात्री हैं। कहाँ पे उतारा इनको? ये गाजियाबाद बजरिया में उतारा है इनको। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।